तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है सुबह का 6 और हम धनबाद से निकल चुके हैं कोलफील्ड एक्सप्रेस से। यहाँ से पहले कोलकाता जाएंगे, फिर वहाँ से 2:30 बजे ट्रेन है दीघा के लिए। तो वीडियो पे बने रहें, और अगर आप भी जाना चाह रहे हैं, आपको भी ऐसा जगह का तलाश है कि कम बजट में बीच का मज़ा मिल जाए, तो इस वीडियो में बने रहें, सारा जानकारी मिलने वाला है आपको। तो अभी हम लोग फाइनली कोलकाता पहुंच चुके हैं, और अब देख सकते हैं ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, जो कि काफ़ी फेमस है। और इसका फेमस होने का कारण यही है कि इसका पिलर नहीं है कहीं, एक उस साइड पिलर है और एक इस साइड पिलर है, बस दो पिलर पर ये खड़ा है, अब बीच में कहीं पिलर नहीं है इसका। तो हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे और दीघा के लिए निकलेंगे यहाँ से। यहाँ से 2:30 बजे ट्रेन है, तो अभी हम लोग चलते हैं लंच करने के लिए, मिलते हैं दीघा पहुँच के। सो फाइनली 7:30 बजे हम लोग दीघा पहुँच चुके हैं, और ये है दीघा का स्टेशन। काफ़ी लोग आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हल्का बारिश भी हुआ है, जिसके बारिश होने के कारण ठंड बढ़ चुका है थोड़ा। और देख सकते हैं कितना लोग आया यहाँ पे घूमने के लिए, और सब टूरिस्ट ही है यहाँ पे, कोई लोकल नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं होटल देखने के लिए। अभी फाइनली हम लोग बीच के साइड पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये होटल्स है। क्या यहाँ पे आपको 300 में भी रूम मिल जाएगा, और अगर आप ये होटल में लेते हैं बीच साइड में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस 1500 से है, और ये फ्रंट व्यू साइड आप लेते हैं इसमें तो 3000 के आसपास पड़ेगा फ्रंट साइड का, जहाँ से बीच दिखेगा। और इसी होटल में पीछे साइड और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 1500-1400 में स्टार्टिंग मिल जाएगा रूम्स। और ये है बीच के साइड में हम लोग खड़े हैं। अभी रात हो चुका है, रात के 8 बज चुका है। अभी हम लोग जाएंगे होटल ढूंढने के लिए, पहले सोचे चलो थोड़ा सा बीच देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा है, बस आप आवाज़ सुन सकते हैं, जो लहरों का आवाज़ है ना, वो हल्का हल्का सुनाई देगा आपको। सो फाइनली हम लोग ने रूम ले लिया है, ये बिल्डिंग के जस्ट पीछे वाला होटल में। हम लोग को रूम का 600 रुपया पड़ा है 3 लोग का, मतलब आप 500 से 600 में 3 लोग आराम से रुक सकते हैं अच्छे होटल में। और इससे भी कम रूम चाहिए तो स्टेशन से निकलने के जस्ट बाद ही जिस गली से आप आएंगे उसी गली में मिल जाएगा रूम 300-400 में, वो भी रहने लायक अच्छा है। अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ भी रह सकते हैं। फाइनली अब हम लोग सुबह निकल चुके हैं देखने के लिए कैसा है बीच का नज़ारा, और अच्छी चाय की तलाश में देखते हैं अच्छा चाय यहाँ कहाँ पे मिलता है। ये अभी हम लोग होटल से निकले हैं नीचे, अभी बीच के राइट अभी सुबह होने के कारण काफ़ी दुकान बंद है, सुबह का 9 बज रहा है अभी। ये देख सकते हैं इधर ही होटल है। अगर घूमने की दृष्टि से देखा जाए ना तो काफ़ी सस्ता जगह है ये, और अगर आप बिहार झारखंड और बंगाल से हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि आप 2 से 3 हज़ार का बजट में आप यहाँ पे अच्छा मस्ती करके जा सकते हैं। ये अभी हम लोग बीच देख रहे हैं, पानी कम है, अभी सुबह पानी कम होता है, दोपहर तक पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये जो पत्थर है पत्थर तक पानी आ जाता है, और यहाँ उतरना और चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत लोग चोटिल हो जाते हैं क्योंकि बहुत लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, लहर आता है पीछे से और अनबैलेंस होकर पत्थर से टकरा जाते हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बीच पे आ गए नहाने के लिए, ये देखिए
आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे क्योंकि मकर संक्रांति है। काफ़ी नुकीला पत्थर है यहाँ पे निकला हुआ और पानी काफ़ी ऊपर आ चुका है। सुबह पानी कम था, अभी बहुत ऊपर आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नहाने के लिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फाइनली भी हम लोग ने नहा लिया है, ठंड काफ़ी कम है, नहाने में उतना ठंड नहीं लग रहा है। जबकि अभी हम जनवरी का महीना में, जनवरी 10 तारीख है अभी, ठीक है। और जनवरी में भी यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल होता है गर्मी हो जैसा, तो ठंड बिल्कुल नहीं लगा नहाने में। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं नहाने वाला है, नहाने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस घूमने के लिए आ रहा है, तो उसे ज़रूर लाए, क्योंकि यार मोबाइल रखने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर जो नहीं नहाने वाला फ्रेंड होगा उसे आप अपना मोबाइल और सारा सामान दे दें, वरना फिर आपको मोबाइल होटल में रख के आना होगा और यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसा भी कोई दोस्त दोस्त ज़रूर लाए। आप भीड़ देख रहे हैं, मकर संक्रांति होने के कारण काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। आसपास के गांव के लोग भी आए हैं, आसपास के शहर के लोग। काफ़ी भीड़ है और पानी बढ़ते जा रहा है। ये है दीघा का मार्केट, यहाँ पे आपको होम डेकोरेटेड सामान मिल जाएगा और भी आपका जो पर्सनल यूज सामान है वो भी मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली मिलता है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली होता है सामान यहाँ पे। बाकी खाने पीने का सामान बहुत सस्ता है, काफ़ी सस्ता जगह है होटल और खाने पीने के मामले में। अभी हम लोगों ने एक चीज़ देख रखा है, हम लोग उसे ट्राई करेंगे, उसे हम लोग खाने का सोच रहे हैं। आप लोग गैस कीजिए क्या खाने वाले हैं हम लोग, और कमेंट में बताएं यहाँ भी क्या ट्राई करेंगे आज हम लोग। अभी ऑक्टोपस तो पूरा रेडी हो गया, बहुत ही कम लोग खाते हैं इसे, काफ़ी रेयर है। तो वीडियो में बने रहे, देखते हैं क्या खाने वाले हैं हम लोग। मार्केट काफी अच्छा है, ये शंख का दुकान है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहां हम लोग स्पेशल डिश ट्राई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं क्या है सामने रखा हुआ, ऑक्टोपस। जी हाँ, आज हम लोग इसी को खाने वाले हैं। ठीक है, ये ऑक्टोपस है, छोटा ऑक्टोपस। ये इसका कोस्ट हम लोग को 200 के राउंड पड़ा है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है। नहीं हो रहा है। और ये थोड़ा स्पेशल डिश भी है, जो कुछ नया ट्राई करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये हम इसका मेकिंग देखते हैं कैसे इसे बनाया जाता है। और आप लोग कितनों में से ऑक्टोपस ट्राई कर रखे हैं ऑलरेडी, वो कमेंट में बताएं। आपका मेमोरी कोई ठीक नहीं है, हमको सिर्फ लाइट दीजिए चला के, लाइट दीजिए। और वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं इसका टेस्ट कैसा था। ये ऑक्टोपस काफी फ्रेश दिखा अदर दुकानों से, और सब दुकान में अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे घूमते घूमते देखा, चलो ये थोड़ा फ्रेश लग रहा है, तो हम लोग ने डिसाइड किया चलो इसे ही बनाया जाए।
इसे फ्रेश कर लिया गया अच्छे से। अब इसका मुंडी को फ्रेश किया जा रहा है। अब ये कटिंग होने जा रहा है। इसे बनाने में मुझे लग रहा है 5 मिनट से फ्राई किया गया अच्छे से, जब तक ये ब्राउन नहीं हो गया। ब्राउन होने से फ्राई किया गया। ଏଠି ପାନ ଖାଉଛ, ପାନ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭିକ୍ଷା ଦୋକାନ ପଇସା ଦିଆ ହେଉନି, କାଲି ଦେଲନି କହିଲ, ଏଠି ପ୍ରାଜି ପଇସା ଦେଲନି କହିଲ, निकालने वाले आइए देखते इसका प्लेटिंग। चलो बोलो देखे ना कौन लागू दे भाई स्टार्टिंग है इतना ऑर्डर है तब आइले बोले बांगड़ा तो प्लेट में आ चुका है। ये काफी एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है वो छोड़ दो। अच्छा अच्छा ना 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 तो छाड़े दो। ए ए यात्रा पैसा मालिक को दो बार ये ना। ए बिटा कल का भाई। ए बिटा यात्रा पैसा दो ना हमको मालिक को। चलो ये है कोलकाता का लोकल ट्रेन, काफी एडवांस बन गया। लोकल ट्रेन काफी एडवांस हो चुका है कोलकाता का। हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं था कोलकाता के लिए, तो हम लोगों ने लोकल से और फिर आगे एक स्टेशन आएगा, नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन वहाँ से मुझे चेंज करना है हावड़ा के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।